यहाँ पे ऑलरेडी पहले तैयार कर दिया है, डाटा इसलिए तैयार कर दिया ताकि ज़्यादा समय ना लगे, और जो चीज़ सिखाना है वो चीज़ आपको हम प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम सिखा सकें। और ये जो एक्सरे क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, दिख रहा होगा जैसे कि आपको। अब यहाँ पे जो है ये सारा का सारा हमने बना रखा है। अब देखिए हमें आज सिखाना क्या है आपको, देखिए ये चीज़ सिखाना है मुझे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक चेंजेस आ रहे हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ भी चेंजेस आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ये। तो जैसे जैसे आप ये हमारे पास कौन सा बटन है बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डेवलपर पे है ये, यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ हुआ है वो स्पिन बटन यूज़ हुआ है, स्पिन बटन, और साथ ही साथ हम यहाँ पे स्क्रॉल बार, ये दो बटन का हम यूज़ करेंगे हम। और कौन कौन से कमांड जो हैं आज मुझे सिखाने हैं आपको, ये पूरा प्रॉपर तरीके से चार्ट लेकर आया हूँ, देखिए ये कितना ज़बरदस्त कितना शानदार है। तो उसके बाद यहाँ भी अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये एक आप अपने हिसाब से जो भी चार्ट लेना चाहें ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक डाटा तैयार कर रखा है और उस डाटा को लेकर ये मैं आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आपका जो भी डाटा है, चाहे स्टॉक का डाटा है या कोई डाटा एंट्री का है या स्कूल रिकॉर्ड है या आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से जो भी डाटा लेना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसको हमने कैसे डिज़ाइन किया है और इसको हमने कैसे बनाया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी वन टाइप किया है, वन यहाँ पे हमने डिनोट करा है मंथ नेम से, लेकिन यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है यानी कि 01, यानी कि वन हो गया हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। क्योंकि यहाँ पे जो है जो कैरेक्टर नहीं लेता है यहाँ पे, ये वैल्यू लेता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो डिनोट कर दिया है इसको मंथ से डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने ले लिया वन। अब उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्म लगाएंगे वी लुकअप का, तो यहाँ पे लिया हमने इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद हम सीधा लुकअप वैल्यू को सर्च करेंगे और आपको उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हमारे पास टेबल एरे है, तो टेबल एरे मतलब कि पूरी टेबल को सिलेक्ट करना होगा। तो अभी क्या करते हैं कि हम इसको टेबल को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी टेबल एरे यहाँ पे बार बार टेबल को सिलेक्ट करना बहुत बार बार टफ हो जाएगा और टाइम ज़्यादा लेगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ पर जो है हमारे पास नेम बॉक्स है, ये हमारे पास जो है नेम बॉक्स है, और ये नेम बॉक्स पे हम पूरी टेबल को डिज़ाइन मतलब जो उसका नेम है वो डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और ये हमारे पास पूरी टेबल जो है सिलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे हमने पूरी टेबल ले ली है। अब टेबल लेने के बाद मैं यहाँ पे इसका नेम डिफाइन कर दूंगा, मैंने यहाँ पे इसका नेम डिफाइन कर दिया डाटा, तो यहाँ पे मैंने नेम इसका डिफाइन कर दिया डाटा, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो अब क्या है कि बार बार जो टेबल एरे है वो टेबल एरे मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं पहले इसको बड़ा कर देता हूँ साइज में ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नज़र आ जाए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ ये, ओके, अब आपको ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमने लिया इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बाद हमने यहाँ पे वी लुकअप लिखा, मैं आपको साथ बताता भी जा रहा हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पे हम मंथ नेम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने वन को सिलेक्ट कर लिया कॉमा। अब टेबल एरे यानी बार बार टेबल को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम सीधा डाटा टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाने कॉल इंडेक्स नंबर, तो ये राइस ब्रांड ऑयल है ये किस कॉलम पर है, तो हम यहाँ पे कॉलम ए बी सी सॉरी बी पे ही है, तो बी पे है यानी कि टू, यानी कॉलम नंबर टू आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, कॉमा 0, तो यहाँ पे हम 0 एंटर डालेंगे ताकि ये एग्जैक्ट मैच दिखा दे, और ब्रैकेट डाला और उसके बाद एंटर प्रेस करा, तो राइस ब्रांड में जो अमाउंट है यानी क्वांटिटी जो है यहाँ पे हमने ले रखी है वो 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया है। इसी तरीके से एक बार और फॉर्मूला मैं आपको स्वाप पे भी करके दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है हम यहाँ पे डाटा एक सारा फॉर्मूला एक साथ लगा लेंगे, वी लुकअप और ब्रैकेट, उसके बाद लुकअप वैल्यू यानी कि 1, देन कॉमा, कॉमा के बाद आपने यहाँ पे
जो है इसको हमने F4 से इसको लॉक लगा दिया है ताकि मैं इसमें बार बार इसको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे हम डाटा टाइप की डाटा ले लेंगे क्योंकि हमारी टेबल का नाम डाटा था, तो हमने यहाँ पे डाटा लिया कॉमा। अब कॉल इंडेक्स 3 3 कॉमा और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए शॉप का जो ऊपर डाटा है, जो क्वांटिटी है वो 50 है, तो 50 शो हो रही है यहाँ पे। अब ये लॉक से लगाया क्योंकि मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रैग करके सारे फॉर्मूले एक साथ ले लूँगा। तो क्योंकि मैंने दोबारा इसलिए करके दिखाया ताकि आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ जाए। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास सब जगह 50 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे 50 को हमने लॉक करा था। अब यहाँ पे हम चेंजेस कर देंगे। चेंजेस क्या करेंगे, जो हमारे पास जो नंबर है 3 कॉलम जो नंबर था, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे ये नंबर अपने आप आते रहेंगे। डाटा हमने ले लिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी क्वांटिटी आ चुकी है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास सारे फॉर्मूले लग चुके हैं वीलुकअप के, हमने यहाँ पे सारे कमांड लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक चार्ट डिफाइन कर लेंगे। तो हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कॉलम चार्ट है, तो जो भी आपको चार्ट लेना हो आप वो चार्ट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चार्ट ले लिया। अब ये चार्ट लेने के बाद आपको ये कलर चेंज करना हो, कलर चेंज कर सकते हैं आप। इसका पहले साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से नज़र आ जाए। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट पूरा हमारे पास आ चुका है। तो हमने क्या किया, पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम इस चार्ट का नेम अगर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपको बस खाली क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे जाके फॉर्मूला बार पे जाके इस चार्ट का नेम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टॉक या प्रोडक्ट, लिया तो प्रोडक्ट डाल लेते हैं सीधा सीधा, हमने आप प्रोडक्ट लिख, जो भी आपको और लिखना है आप अपने फाइल का नेम, जो जो भी डाटा या चार्ट का नाम देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। तैयार हो चुका है। अब इसमें आपको जैसे कि चार्ट, अभी तो मैं आपको ये थोड़ा चार्ट को डिजाइन कैसे करते हैं क्या है, तो आप अगर देखना चाहें तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। बट अभी आपको करना है कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी है इसका, हमने ये चार्ट का जो भी कलर है वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ये देखिए यहाँ पे भी है हमारे पास, यहाँ से जो भी लेना चाहे तो इस तरह से हम ये ले सकते हैं। और थोड़ा सा लाइट में ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो इस तरह से थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। तो या तो आप यहाँ से कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, सॉरी ये आप यहाँ पे जाएंगे और जो भी आपको लाइट थोड़ा डार्क जो भी कलर लेना है आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये इस तरह से ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट है वो प्रॉपर तरीके से बन चुका है। अब जो मेन फंक्शन ये है कि आप चार्ट तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी डिज़ाइन करना है कर सकते हैं। आपको चार्ट पे यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट करा और जो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन आता है, तो यहाँ पे आप जो भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं, ऐसे नंबर ऐसे करके आ जाए लिखे हुए, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और लेकिन ये तो चार्ट का टॉपिक है, लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो कमांड जो सिखाने जा रहा हूँ उस कमांड को हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वन लिखा हो, अब यहाँ पे जो वन है इसको हमें थोड़ा चेंज करना है कि जैसे जैसे हम चेंजेस करना चाहें, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे स्पिन बटन, स्क्रॉल बटन सिखाए थे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो मेन्यू बार है, यहाँ पे देखिए हमारे पास डेवलपर है, डेवलपर मेन्यू बार यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके एक्सेल में शो ना हो रहा हो तो आप क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और मोर कमांड पे जाना है। मोर कमांड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे देखिए डेवलपर शो हो रहा है, आपको यहाँ पे ये, यहाँ पे ये टिक नहीं हुआ होगा, आपको यहाँ पे टिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। एक तो ये हो गया, दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल पे जाएंगे,
फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ मोर पे, यानी कि आप में ऑप्शन शो हो रहा होगा, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन पे जाके यहाँ पे भी आप इस तरह से टिक कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारे पास डेवलपर का आना। अब देखिए यहाँ पे हम कमांड थोड़ा सा जो है स्पिन बटन है, स्क्रॉल बटन है, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे बटन पहले क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पे जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो स्पिन बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक बटन ये बना लेते हैं, और ये बटन बनने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे इस बटन पे, और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने के बाद देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम है फॉर्मेट कंट्रोल। यहाँ पे हमारे पास करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू पे हमने यहाँ पे लिखेंगे वन। वन क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो हमारी करंट वैल्यू है वो वन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वन टाइप किया। उसके मिनिमम वैल्यू जो है हमारी वन से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए जनवरी जो है वन से ही होता है, वन फरवरी टू। तो अब उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम जो लेकर चलना है 12, यानी दिसंबर है, 12 मंथ होते हैं हमारे पास। उसके बाद जो इंटरचेंज है वो वन बाय स्टेप बाय स्टेप, यानी वन बाय वन चले, तो इसलिए हमने यहाँ पे वन करेंगे। अब कह रहा है लिंक, तो लिंक के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और वन पे हमने क्लिक कर दिया और ओके प्रेस कर दिया। तो ये हमारा जो लिंक है वो अब क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ टू हुआ, और देखिए चार्ट भी हमारा चेंज होता जा रहा है। तो है ना ज़बरदस्त क्लास। तो इस तरह से आप अपना स्टॉक जो है मेंटेन कर सकते हैं, और बड़ा ही शानदार। अब इसमें देखो आपको देखते ही पता चल जा रहा है कि कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है। तो सीधा सीधा देखिए ये लाइन जो लाइन गई है, ये कॉलम चार्ट जो बना हुआ है, ये लाइन है। तो यानी हमें सिंपल से पता चला कि बॉडी पॉलिश की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, उसकी सेल जो है ज़्यादा हुई है। तो इस तरीके से आप ईजिली उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मे बी आपको बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में जो भी सीखना चाहता है उसको शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन में जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी। और तो ये था हमारे पास पिन बटन। अब देखिए कि कितने लाजवाब तरीके से, देखिए जैसे यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास चेंजेस हो रहा है, साथ साथ चार्ट भी हमारे पास देखिए चेंज होता चला जा रहा है। ये देखिए है ना खूबसूरत। तो इसी तरह की क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आपको ये सिखाता रहूँगा। तो चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्पिन बटन पे। किस पे आते हैं, स्पिन बटन पे। तो उसके लिए सॉरी स्क्रॉल बटन, स्पिन बटन हो चुका है हमारे पास। अब हम आते हैं स्पिन बटन पे। तो इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और एक यहाँ पर हम स्क्रॉल का यहाँ तक हम पूरा ले लेते हैं, और स्क्रॉल बटन हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा इस पर, सॉरी ये राइट क्लिक किया और फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक किया। फॉर्मेट कंट्रोल पे वही सेम वैल्यू हमें टाइप करनी है यहाँ पे वन, क्योंकि करंट वैल्यू जो हमारी वन है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मिनिमम वैल्यू वन, और उसके बाद हमारे पास जो टोटल मंथ हमारे पास है 12, और उसके बाद वन से चेंज होता रहे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आना है सेल लिंक। तो उसके बाद सेल लिंक के बाद यहाँ पर देखिए पेज नंबर आ रहा है, तो उस पेज नंबर को हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि पेज नंबर हमारे पास वन है, तो यहाँ पे वन रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आना है सेल लिंक। तो सेल लिंक पे जाने के बाद जो ये लिंक है इस पर हम क्लिक कर देंगे, और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। अब देखेंगे कि ये जो है लिंक तो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ भी देखिए यहाँ पे हमारे पास पिन बटन बना है, स्क्रॉल बटन का भी देखिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल बटन का यूज़ करता हूँ, ये देखिए ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये चेंजेस होते जा रहे हैं। वहाँ पर नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास चार्ट जो है तैयार हो रहा है और चेंज होता चला जा रहा है। तो जो भी हमने डाटा लिया है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप मूवमेंट चेंजेस होता रहेगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल लेता हूँ मैं अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फॉर नाउ।